पछड़ी गाय से ज्यादा नुकसान है फसल में, ये आप कह रहे हैं? पछड़ी नुकसान ला सक उनके कोई नुकसान ना है थी, वो तो बड़ी सुविधा की चीज है। हाँ बात नुकसान गाय को, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनसे नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ना कछु नुकसान ना है रो। हाँ और छोड़ दें योगी जी? बिल्कुल छोड़ दे जाए तो बढ़िया बात है, तमाम फसल को खा जाए। हाँ खा जाए, जो दिक्कत नहीं है ऐसा तो है जाए। कम देखो ना कि वो धींगरा आता कहें धींगरा नू किया तो खा में कम देखो ना भाई बोझे टेड़े किए तो खब रहे हैं वो योगी और जोगी। गाय इतनी सूखी हुई है इन्हें कुछ ही माना नहीं, और दावा करते हैं गौशाला खोल दी जो खोल दी ना देखो हो गई चढ़ते ना ना कोई व्यवस्था ना तो कहिए ढूल लेंगे तो सड़क पर देखो तो कहिए रखेंगे कैसे दिखा में हम तो हमारे संग चलो तो जी बताएं मैं चलूंगा। हैं चलो चलूंगा अभी चलो तो और जल्द दिखा में तुम्हें सुविधा कितनी सुविधा है। सरकार गौशाला के बड़े दावे कर रही है कि सारी गौशाला ने यहाँ से पकड़े ले जाते छोड़ देते ऐसे यहाँ ले गए टेढ़ी गांव में पड़ी हुई अब नौ जिले में छोड़ जाते नौ जिले को यहाँ छोड़ जाते ये फिर ये जानते हैं। बढ़िया पैकिंग है, मोदी जी का फोटो वोटो भी है छपा हुआ है। थैला बचाए वो सोना छापे थे पैसा छापे थे थैला पे क्या मतलब अनाज जो खराब आ रहा है बाप भैंस पर ना खाएंगे पशु ना खाएंगे भाई वो आदमी ने कदया जा रहा है मां डीलर के यहाँ पे आके कट्टा खोल के पैकिंग जो उत्तर प्रदेश सरकार लग रही है कट्टे पे उसे खोल के आपके सामने दिखाएंगे हम। अभी आपका शौचालय नहीं बना? नहीं बना जी, आप जाके देख सकते हो मेरे घर में ऐसी जंगल पड़ा हुआ है पीछे से। राशन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है जी। सिलेंडर दे दिया फ्री सरकार ने, भरवे का पैसा कहाँ था आपको 900 रुपया को, अब 900 रुपया को सिलेंडर भरे जा रहे हो। अब गरीब आदमी काम तो कर रहा काम तो है रहा कम मिल रहा तो कहाँ से भरा हुआ सिलेंडर। पीएम किसान योजना वो आपके पापा के खाते में अभी तक नहीं आई है आप कह रहे हो? हाँ जी अभी तक नहीं आई है। 12,000 शौचालय के आपको तो मिले नहीं, 1,000 रुपए आपसे उल्टा ले लिए। एक चेक दे दिया एक नहीं दिया। रोजगार कोई है नहीं है, मजदूर आदमी क्या करेगा? अब वो 500 रुपये में बच्चे पाल लेगा वो। सप्ताह तो मायावती ने अच्छी चलाई थी। नमस्कार, एक बार फिर 2022 के चुनाव को लेकर के लोगों की राय हम जानने के लिए मथुरा के गांव में पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहां पे कुछ लोग हैं, एक बार बात करेंगे उनसे। सबसे पहले गांव का नाम बता दें एक बार। नगला घूरे। नगला घूरे, सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिया, अच्छा रोजगार दिया। कोई रोजगार ना मिलो का रोजगार मिलो है, नरेरा को काम चलवा दो चार दिना करिया बस वो आ रहे हैं तो आ रहे ना तो जयराम जी की और कहा रहो। तो पहले तो बाइक के पेट्रोल पे बात कर लेते हैं जी। पेट्रोल तो बहुत महंगा है, ये तो सरकार का क्या है, सरकार तो 1.25 रुपये सस्ता करती है तो 4 रुपये महंगा कर देती है। और बताइए ये ऐसे सरकार चल रही है? ये तो एक ग्रामीण क्षेत्र में भी यही हाल है, अगर लोग यहाँ सड़क से जाते हैं तब भी 2 रुपये पेट्रोल फूक जाती है उसमें। तो सरकार को चाहिए कि मजदूरों को मतलब मजदूरों के हित में काम करे, डीजल पेट्रोल को सस्ता करे। ये तो चलता है, ये तो सरकार का एस्टीमेट है कि इसमें अगर हम 10 रुपये 10 पैसे भी सस्ता करेंगे तो 1 रुपये बढ़ा देंगे। अभी देख रहे हैं कल परसों डीजल में 19 पैसे 25 पैसे कम हुआ है, उसमें 1 रुपये बढ़ेगा कल परसों। तो क्या चाहते हैं 2022 में? 2022 में चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए और एक ऐसा नेता आना चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे कुछ करे। हम भी लोग हैं खुद MA BEd घूम रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, वैसे ही घूम रहे हैं फालतू में। बताइए क्या किसका शासन चाहते हैं यूपी में? इसका चाहते हैं जो युवाओं की तरफ सोचे। हाँ जी, बेरोजगारी को कम करे थोड़ा, आप महंगाई को लिमिट में लाए और बेरोजगारी को कम करे तो कुछ हो सकता है, वरना ऐसे ही कोई सरकार आती है तो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा आप युवा हैं, चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? जानते हैं। अच्छा वो भी अब यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे? तो अभी तो हमारी कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई ना, वो यहाँ आए हैं तो कैसे कह दें। नहीं उनके लोग तो आते होंगे? नहीं कोई नहीं आता, अभी आएंगे। आएंगे तो आपसे वोट मांग जाएंगे, हम उनके साथ हो जाएंगे। आपको कितना फायदा मिला भाजपा सरकार के शासन से? हमेशा इतना फायदा मिले है कि जो फसल तैयार करते हैं और ग्वाजें जाते हैं इतनी सुविधा मिल रही है हमें तो। हाँ इतनी सुविधा तो हमें मिल रही है। नुकसान हो रहा है आप कह रहे हैं? ना नुकसान ना है, खूब फायदा है सर। ऐसी और इतगुत्ते आमे और जहाँ छूटे। हाँ भारी समस्या है ना? समस्या का चुना ऐसी आमे जो जाती है उनको दूध तो पीलो करेंगे पकड़ पकड़ के। हाँ बेजान रखो उनको। पछड़े गाय से ज्यादा नुकसान है फसल में, ये आप कह रहे हैं? कछु नुकसान ला सक उनके कोई नुकसान ना है थी, वो तो बड़ी सुविधा की चीज है। हाँ बात नुकसान गाय को, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनसे नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ना कछु नुकसान ना है रो। हाँ और छोड़ दें योगी जी? बिल्कुल छोड़ दे जाए तो बढ़िया बात है, तमाम फसल को खा जाए। हाँ खा जाए, जो दिक्कत नहीं है ऐसा तो है जाए। कम देखो ना कि वो धींगरा आता कहें धींगरा नू किया तो खा में कम देखो ना
भाई बोधे टेढ़े के ही तो खब्बा रहे वो योगी और जोगी हाँ कोई सही सब वही हमारे और साथ ज्यादा उन्हें बुरी लग रही वही हमारी तो हमें वहाँ कटकराम बंद कर दे और ज्यादा छोड़ दी हमें वो मठिया हमें आराम दे तो मिल जाएगी सुधर कछु न कछु खाए का जी बड़ी समस्या है लेकिन ताऊ जी आप खुल के कह नहीं पा रहे लेकिन आपका जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ जब तुम समझते ही तो फिर तुम हम पैका ही किब्बा मती फिर जब तुम समझ ही लेते सब बात अन्य तो हम किब्बा बेका ही वहाँ मती मैं तो असल में क्या है कि सरकार जिस तरह के दावे कर रही है आप टीवी देखते हैं ना ऐसा मैं ना मैं आपको बता देता हूँ बता दे ना देगी टीवी आपको बता देता हूँ कि सरकार ये दावे ठोक रही है कि पिछली सरकारों से हर क्षेत्र में हमने काम अच्छा किया है तो हम जो आम आदमी है गांव में जो बैठा हुआ किसान है मजदूर है इंसाफ है उम्रदराज आदमी है तो हम आपका अनुभव जानने के लिए आए हैं कि आप सच बताएं जनता को कि असल में क्या परेशानियां हैं और क्या सुविधाएं मिली हैं यो जी पवला का जी गलत कह रहे हैं पवला कह रही है पवला का खूब सुविधा है जिन्हें बात थी हाँ जितना काम रहेगा सब बढ़िया सुविधा कह रहे हैं और ऐसे ही भाई चले जाए बढ़िया रहे वो उद्धार तो कहीं ना कहीं दादाजी का दर्द आप समझ सकते हैं तो इनसे बात करेंगे एक और दादाजी बगल में बैठे हुए हैं दादाजी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है गाय भैंस गाय और बछड़े खूब नुकसान कर रहे हैं खेतों में अच्छा है सभी परेशान है किसान वर्ग बहुत परेशान है इतनी उजार है वो है गाय इतनी सूखी हुई है इन्हें कोई सीमा नहीं और दावा करते हैं गौशाला खोल दे जे खोल दे यहाँ देखो हो गई चढ़ते तमाम फसलें नष्ट रह गई पता क्या करें असल में गौशाला सिर्फ खोल के डाल दी है और उनमें गायों का व्यवस्था नहीं है ना 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 कोई व्यवस्था ना है तुम गई ढूंढ लेंगे तो सड़क देखो तुम गई रखेंगे कैसे दिखावे हम तुम हमारे संग चलो तो जी बताए मैं चलूंगा हैं चलो अब ही चलो तो और जब दिखावे तुम्हें सुविधा कितनी सुविधा है हाँ अभी चलेंगे आपके साथ जरूर चलेंगे आपके लोगों से बात कर लेते हैं उसके बाद आपके साथ चलेंगे हम आप बताएं जी दादाजी कह रहे हैं कि गाय बछड़े बड़ी समस्या है आप क्या कहेंगे हम ये कह रहे हैं कि मतलब गाय बछड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं सब लोग दुखी हैं पहले मतलब आता चैन थे सोमते गाय बछड़ा सोमने पब लगे बिल्कुल कोई फसल नष्ट कर देते पूरी है वो आदमी बहुत परेशान है गाय बछड़न थे और यहाँ से छोड़ भी गए ट्रक बरबर गए फिर मतलब नहीं आएगी नहीं कुत्ती आएगी कोई परिजन पाँच पाँच सौ रुपए से सब लोगों ने उगाई दी है कोई समस्या जी है समझते जाते सरकार गौशाला के बड़े दावे कर रही है कि सारी गौशाला ने यहाँ से पकड़ ले जाते छोड़ देते ऐसे यहाँ से ले गए टेट ग्राम से परी हुई अब नौ जिले में छोड़ जाते नौ जिले को यहाँ छोड़ जाते ये फिर ये जानते पकड़ा था खड़ी थी चलो ये जितना नुकसान कर रहे हैं गाय बछड़े उसके बदले में आपको हर चार महीने में कुछ पैसे भी तो मिल रहे हैं ना चार महीने मिल रहे तो उन्हें मिल रहे हैं अरे वो चार महीने अब 2000 रुपये मिल रहे हैं उनते काहे रहे जो बताओ 2000 रुपया मिल जाए बंद का है रहो जो बताओ चार महीना में नुकसान बड़ा है हाँ नुकसान ज्यादा है हम पे आई से 2000 ले रहे हैं 10000 वैसे ले रहे हैं और 2000 और दे दी दे रहे कहेंगे नहीं सरकार जिन गाय फायदों को इंतजाम करे 2000 ते हो तो का है राशन जो आ रहा है सरकार पे वो अनाज खराब आ रहा है हाँ एक बढ़िया पैकिंग है मोदी जी का फोटो वोटो भी है छपा हुआ है थैला पे चाहे वो सोना छापे थे पैसा छापे थे थैला पे तो क्या मतलब अनाज जो खराब आ रहा है वह पयु भैंस पयु ना खाएंगे पशु ना खाएंगे भाई वो आदमी ने कहा 2000 रुपये है कंकड़ी आ रही है मामे अनाज देवे तो क्या है अनाज तो खराब है और किस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं सरकार में महंगाई या फिर सुविधाएं सुविधा तो कुछ ना महंगाई खूब आ रही है जो रिफाइंड आज का 80 रुपये की आ रही है चम्बल की अब 180 रुपये आ रही है तेल 80 रुपये किलो अब 180 आ रहा है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चाहे पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए गैस कितनी महंगी हो जाए कुछ भी महंगाई हो जाए लेकिन भाजपा को ही वोट करेंगे उनकी अपनी अपनी कोई रणनीति होगी उन्हें कुछ फायदा रहा होगा जो फायदा आ रहा होता वो तो देगो या नुकसान आ रहा होगा देगो ये तो जनता अपने आप सोचनी चाहिए आप क्या कह रहे कितनों को रोजगार मिला सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया बेरोजगारी है गई महंगाई हो गई नहीं होगी हैं कोई रोजगार मिला पेट्रोल 100 पूरी डीजल 100 चल रहा है हैं राशन है 5 किलो वो जितना वो थैला जो फोटो लगा करके उन्होंने थैला बांट दिया इतने का किसी गरीब का नहीं दे सकते थे क्या बताइए है ना
तो सरकार ऐसा बता रहे हैं कि उसमें जो अनाज आ रहा है वो सड़ा गला आ रहा है। सड़ा गला आ रहा है, बिल्कुल सड़ा गला आ रहा है, बिल्कुल रेता रहा है, कंकड़ी और लेकर आए वहां में। अगर आपका ताना हमारे जब राशन बटेगा तो आपको डीलर के यहाँ पे आके कट्टा खोल के पैकिंग जो उत्तर प्रदेश सरकार लग रही है कट्टे पे उसे खोल के आपके सामने दिखाएंगे हम। तो मुझे कोई मेरे घर पे आते एक लैट्रिन नहीं है, 20 आदमी का परिवार है मेरा, एक लैट्रिन तक नहीं है मेरे घर में। शौचालय सरकार ने दिए थे, शौचालय सरकार ने दिए थे, लेकिन प्रधान तो हम लोग को नहीं दे रहे ना, यहाँ पे आके नहीं है। प्रधान को पहले जेब भरो, उनके बाद प्रधान यहाँ पे ला के देते हैं। अभी आपका शौचालय नहीं बना? नहीं बना जी, आप जाके देख सकते हो मेरे घर में ऐसी जंगल पड़ा हुआ है पीछे से, आज तक शौचालय नहीं आया। अब पहले प्रधान को बोलते हैं तो प्रधान बोलता है पहले मुझे सामान ला के दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा, तब जाके तुम्हारी कार्रवाई होगी आगे के लिए। राशन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है जी, राशन भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। क्या वाकई में ऐसी समस्या है कि लोग बस ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, गाय की तो गाय परेशान कर रही है। हाँ सर, गरारत कुछ होम होता है माठी है, टॉर्च लगा के देखते हैं, बिड़ाड़ते हैं। सरकार पैसे भी देती है 2000 रुपये, उससे भरपाई नहीं हो पाती ना नुकसान की? वहाँ तो कहाँ भरपाई आ रही है? 2000 तो वैसे चले जाए, ना कोई खाद पड़ेगा ना कछु पड़ेगा, 2000 तो है कार होगा ये है? बताओ है? एक बड़ी समस्या है ये। हाँ, ये बहुत ज़्यादा समस्या है। और अब ये सिलेंडर दे दिए, सिलेंडर दे दिए तो अभी इनके भरबे के पैसा कहाँ थे आपको? सिलेंडर दे दिया इन फ्री सरकार ने, इस भरवे के पैसे कहाँ थे आपको? 900 रुपया को, अब 900 रुपया को सिलेंडर भरे जा रहे हो। अब गरीब आदमी काम तो कर रहा, काम तो है रहा, काम मिल रहा है, तो कहाँ थे भरा हुआ सिलेंडर है? कौन सी सरकार चाहते हैं इस बारी? अब सरकार जो बनेगी, जो आगे परमात्मा देखेगा। परमात्मा क्या देगा? वोटर तो आप हो ना, वोट तो आप दोगे तब सरकार। हमारी वोट, एक वोट तो कहा है रो है? एक वोट से नहीं, देश देखो वहाँ होगो। आपका एक अपना विचार भी तो हो सकता है ना कि आपके हिसाब से वो सरकार ठीक काम कर। विचार तो हम जब भी बताएंगे जब आप बैलेट पेपर से पड़े तो। कुछ फैसिलिटी ना मिल पा रही, और मिल जाए तो ये गाँव में जो लोग दलाल डुलते हैं ये ना करना ना कछू, ना हमारे पास इतना पैसा है उनको देने के लिए, ना हमारे पास कुछ काम होता है, क्या करें। सरकार किसानों को लेकर भी एक बड़ा दावा कर रही है कि किसानों की है। किसी की 2000 की दो किस्त आ गई, किसी की एक आई, किसी की आई नहीं है। एक साल हो गए बार बार ब्याज ने कागज जमा कर दिए, लेकिन आज तक कोई किस्त नहीं है ये उनके खाते में। खाता है बैंक में उनका? BS खाता है, 70 साल का आदमी, अभी तक कोई किस्त नहीं आई उनकी। डीलर के पास जाते हैं पैसे ले लेता, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ कुछ भी, कोई किस्त नहीं आई अभी तक। जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है 2000 PM किसान योजना, वो आपके पापा के खाते में अभी तक नहीं आई आप कह रहे हो? हाँ जी, अभी तक नहीं आई है। तो चाहो तो मैं अभी भी वीडियो कॉल पर यहीं चेक करके दिखा सकता हूँ, एक भी किस्त जमा नहीं हुई अभी तक। के 12000 रुपये में सरकार ने शौचालय बनाने का दावा किया था, अब आप इसका उलट कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए, ये क्या बात हुई? ऐसा है कि मतलब ये तो रिश्वत चलती है ना, तो हम पर रिश्वत ले ली, फ्री भी बनी नहीं, ऐसा है तो बनी नहीं, तो क्या करूं। 12000 शौचालय के आपको तो मिले नहीं, 1000 रुपये आपसे उल्टा ले लिए। एक चेक दे दिया, एक नहीं दिया। हाँ, 6000 मिल गए। 6000 मिल गए आपको, 6 नहीं मिले, अजूरी पड़ी है वो। और हम परेशान हैं, खेतन बारे हमें डंडा मारते हैं कि यहाँ मत जाओ, करवेगा हम कहाँ जाएंगे। जिसकी 4 यूनिट है उसमें 2 का मिलता है वो भी, हाँ उसमें भी पूरा नहीं देता डीलर किसी में, गलत कह रहा हूँ तो बोलो भाई साहब, उसमें भी पूरा नहीं देता है। यूनिट में जिसकी 6 यूनिट होंगी उसको 4 का देगा, और 4 होंगी उसको 2 का देगा, वो भी 400 ग्राम अनाज का ओवरेज आता है। जिस किसी ने कहे बहता रोगी, बहता पानी जमता रोगी, सरकार बदलती अच्छी होती है। तो क्या चाहते हैं इस बार? जब जो सुविधा नहीं मिलेगी तो बदलनी चाहिए, इसमें हमें सारी लोगों में किसी में एक एक सिलेंडर पकड़ा दिया गैस, वो आपकी बात आप हो गई। अब देख क्या ये, अब जब हमारा पास मकान क्या है, चुप गया है जाए, कोई सुविधा नहीं है, तो इसमें सरकार में फायदा क्या है? अब किसकी सरकार के लिए मकान ठीक है? आप मेरी बात सुने, आपने 1000 कमियां सरकार की बता दी, आप बताइए अब सरकार ऐसी कौन सी है जो आपको इन सब चीजों से निजात दे सकती है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। सरकार कौन सी है, किसको चाह रहे हैं आप? सरकार कौन सी बढ़िया लगती है? सप्ताह तो मायावती ने अच्छी चलाई थी, हम तो मायावती को ही देंगे।